पिछले क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन में sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था और हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को डिफाइन किया था, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस को समझाया था कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताया गया था। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने CH4 का एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को मैच करवाने का प्रयास किया था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो हमें गलत रिजल्ट आया था। सेम तरीके से अगर हम C2H2 में, ठीक है, C2H2 में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सोचेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। कंसीडर द मॉलिक्यूल C2H2 जिसका के स्ट्रक्चर होता है दिस वन, ठीक है, इसमें जो होता है बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को मानेंगे दोनों कार्बन को, तभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय थ्योरी, ठीक है। तो इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में, इन दिस मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। दोनों कार्बन एटम जो है sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, दोनों कार्बन एटम यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड। सवाल ये उठता है कि sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है, तो हम लोग अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ये सब हम लोग अब स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक s और एक p के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कौन सा पी, आपके पास तीन पी ऑर्बिटल होता है पीएक्स पीवाई पीजेड। तो जिस तरह से हमने आपको sp2 में बताया था कि तीन में से कोई भी दो चूज कर सकते थे, उसी तरह से यहां भी तीन में से कोई भी एक चूज कर सकते हो आपको एक s ऑर्बिटल रखना है और आपको एक p ऑर्बिटल रखना है। तो आप एक s ऑर्बिटल रखोगे, आपके पास एक s ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल कोई भी एक रख सकते हो अमाउंट 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग वन s ऑर्बिटल एंड एनी वन ऑफ 3 p ऑर्बिटल्स। 3 p ऑर्बिटल्स में से कोई भी एक ऑर्बिटल को आप चूज कर लो, कोई कंपल्सर नहीं है कि px ही चूज करना है कि py चूज करना है कि pz चूज करना है, आप कोई भी एक ऑर्बिटल को चूज कर सकते हो अबाउट 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके पास जो साई sp बनेगा वो C1" साई 2s अगर हम 2sp की बात करें और C2" साई 2px। हमने मान लिया कि 2px भाग ले रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स आर एज्यूम्ड टू रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। जो आपका 2py और 2pz ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्रिडाइज्ड मान लिया गया है, कोई कंपल्सर नहीं है कि 2py और 2pz ही अनहाइब्रिडाइज्ड होगा।
कोई भी अनहाइब्रिडाइज हो सकता है, कोई भी दो, 2px को हमने लिया तो 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज हुआ, अगर आप 2py लोगे 2pz और 2px अनहाइब्रिडाइज होगा, अगर आप 2pz लोगे तो अगर आप 2px और 2py ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज होगा, वेयर c1' and c2' आर कॉन्स्टेंट एंड हैव टू सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल क्यों बोला गया है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप दो सेट ऑफ वैल्यूज रखते हो, तभी जाकर के आपके पास क्या होगा, अगर आप टू सेट ऑफ वैल्यूज रखोगे तभी क्या होगा, आपके पास दो ऑर्बिटल बनेगा। आप ये अच्छे से जानते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में कंजर्व होता है, तो आपने दो ऑर्बिटल जब मिलाया है तो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का संख्या दो ही बनेगा, और इसलिए c1" and c2" आर कॉन्स्टेंट एंड हैव टू सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल, ताकि दो इक्वेशन बने जिससे कि दो एसपी ऑर्बिटल मिले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एनर्जी का दूसरा पॉइंट हम लोग करेंगे, एनर्जी के बारे में दूसरा पॉइंट हम लोग करते हैं एनर्जी के लिए। तो आप जानते हो कि डेल्टा ई हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी चेंज डेल्टा ई क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अगर आप बात करो एनर्जी का, तो इनिशियल सिचुएशन में आपके पास क्या है, इनिशियल सिचुएशन में आपके पास है एक 2s ऑर्बिटल और तीन 2p ऑर्बिटल। फाइनल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो फाइनल में क्या है आपके पास, फाइनल में एनर्जी की बात करें तो 2p तो बचा हुआ है और 2sp आ रहा है। ठीक है, और 2p मतलब 2p दो ऑर्बिटल बचा हुआ है, दोनों 2p ऑर्बिटल है, कोई भी 2p ऑर्बिटल हो बचा हुआ है। तो आप अगर डेल्टा ई हाइब्रिडाइजेशन की बात करो जीरो है, तो एनर्जी फाइनल मास एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो। एनर्जी फाइनल आप लिखोगे 2 into energy of 2sp plus 2 into energy of 2p, दिस इज द एनर्जी फाइनल, और माइनस एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s और प्लस 3 into energy of 2p, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको साफ ये दिखेगा कि आपके पास जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वही आएगा, 2 into energy of 2sp विल बी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2p, एंड हेंस एनर्जी ऑफ 2sp विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो 3 into energy of 2p 2 into energy of 2p कैंसिल आउट करके आपके पास ये बचेगा, तो एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2p डिवाइड बाई 2, बिल्कुल आ गया क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, यही एनर्जी ऑफ 2sp ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, अब ये भी आप देख सकते हो कि एनर्जी क्या होगा, 2s और 2p के बीच में ही आ रहा है, ये आपको साफ दिख रहा होगा, दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी ऑफ 2p ज्यादा है 2sp से, और 2sp का ज्यादा है कंपेयर टू 2s से। ठीक है, तो यही एनर्जी का ऑर्डर हो गया ऑफ 2sp ऑर्बिटल। अगर हम थर्ड बात करें साइज का, तो चूंकि 2s और 2p ऑर्बिटल से मिला के आप बनाए हो, और आप जानते हो कि p ऑर्बिटल बड़ा साइज का होता है कंपेयर टू s ऑर्बिटल, और इसलिए जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा वो उसका साइज क्या होगा, इन बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल, s और p ऑर्बिटल के बीच का साइज का होगा। एक बड़े ऑर्बिटल एक छोटे ऑर्बिटल को अगर आप मिक्सअप करके दो ऑर्बिटल बना रहे हो, और तो उसका साइज क्या होगा, बड़े और छोटे के बीच में होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ 2sp ऑर्बिटल्स लाई इन बिटवीन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में साइज में लाई करता है, मतलब
ऑर्डर ऑफ साइज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा साइज होगा 2p, उसके बाद 2sp और सबसे कम होगा 2s. दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज. अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं शेप का, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. चौथा है सी. तो देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक s और एक p को मिला के बना है, एक 2p को मिला के बना है. तो अगर आप इन दोनों ऑर्बिटल को मिला दोगे, एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल को मिला दोगे, तो आपका ऑर्बिटल बन जाएगा इस तरह का 2sp ऑर्बिटल. मतलब डंबेल नेचर का ही है, डंबेल नेचर का ही है, विथ वन लोब स्मॉलर देन अदर. डंबेल नेचर का है, विथ वन लोब स्मॉलर देन अदर. फिफ्थ पार्ट की बात करें ज्योमेट्री. अब देखो आपके पास दो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. अब दोनों एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसके बीच में रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए दोनों एसपी ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम सेपरेशन पे रखना होगा. मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब है मैक्सिमम एंगल, मतलब 180 डिग्री पे, ठीक है. और जब दो ऑर्बिटल्स को 180 डिग्री पे रखोगे तो लीनियर ज्योमेट्री जनरेट होगा, ठीक है. तो टू मिनिमाइज रिपल्सन बिटवीन टू एसपी ऑर्बिटल्स, दे आर केप्ट एट मैक्सिमम एंगल कितना 180 डिग्री. हेंस लीनियर ज्योमेट्री, और इसलिए क्या होगा, लीनियर ज्योमेट्री इज क्रिएटेड. Hence, linear geometry is created. और इसलिए क्या होगा, linear geometry create होगा, ठीक है. तो ये एक सिंपल सी बात है कि दो sp orbital एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पे रहेगा, 180 डिग्री एंगल पे रहेगा, ताकि रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो होगा sp orbital में उसके बीच में कम. अब देखिए जो दो unhybridized orbital आपके पास 2sp orbital बनता है, एसपी ऑर्बिटल बनता है दो, उसके अलावा दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है. तो ये जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा वो इस लीनियर ज्योमेट्री के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. मान लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसपी ऑर्बिटल है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक पी वाई होगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक पी जेड होगा. तो जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, टू अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दिस लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है. टू अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू दिस लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है. जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा इस लीनियर ज्योमेट्री के, टू मिनिमाइज रिपल्सन. मैक्सिमम सेपरेशन हमेशा रखना होता है आपको ऑर्बिटल्स के बीच में, ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन कम से कम हो, और इसलिए क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा इस लीनियर ज्योमेट्री का. कार्बन की बात करें अगर हम, तो इसके पास दो हम दिखा रहे हैं आपको एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का छोटा वाला लोब इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है. लीनियर ज्योमेट्री हो गया, मान लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, एसपी ऑर्बिटल दो दिखा दिया. आप गौर करोगे कि ये जो ये एक लोब है, बड़ा वाला और छोटा वाला, देख सकते हो आप, एक बड़ा वाला लोब और एक छोटा वाला लोब, और फिर एक बड़ा वाला लोब और एक छोटा वाला लोब, तो ये लीनियर ज्योमेट्री हो गया. जो पी वाई ऑर्बिटल है वो क्या होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा. हम थोड़ा शेप अलग करने के लिए थोड़ा
थीन दिखा रहे हैं, पतला दिखा रहे हैं इसको हम, तो ये पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पी वाई हुआ, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा पीजेड होगा, ये पीजेड ऑर्बिटल हुआ। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और जो अनपेयर्ड जो जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसका। अब देखिए जब आप इसका अरेंजमेंट जान गए हो तो आप आसानी से अब स्ट्रक्चर ऑफ सी टू एच टू को बना सकते हो। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी टू एच टू को आप आसानी से बना सकते हो, देखिए बना रहे स्ट्रक्चर ऑफ सी टू एच टू, देखिए कार्बन जो है वो एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, कार्बन जो है एसपी हाइब्रिडाइज्ड, और उसके पास क्या होगा, ये कार्बन भी क्या है एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, दोनों कार्बन जो है एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें जो है सिग्मा ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड बन रहा है, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब गौर कीजिएगा, ये देखिएगा सीएच सिग्मा बॉन्ड है, ये सीसी सिग्मा बॉन्ड है, और ये फिर सीएच सिग्मा बॉन्ड है, आप देख सकते हो ये 1s एसपी हाइब्रिडाइजेशन से बना है, ये एसपी एसपी हाइब्रिडाइजेशन से बना है, ये एसपी 1s हाइब्रिडाइजेशन से बना है, तो क्लोज दे देते हैं, 1s एसपी हाइब्रिडाइजेशन से बना है, सबके एक्सेल ओवरलैपिंग से बना है, बिकॉज एक्सेल ओवरलैपिंग से ही आपका क्या होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। याद रखिएगा एक्सियल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों करता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इन जनरल, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इन जनरल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करता है। बहुत रेयर ऐसा केस है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, वैसे कुछ केस है जो हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बेंजाइन वगैरह में आप देखोगे, लेकिन वो एक एक्सट्रीम केस है, उसको आप जनरलाइज समझ लोगे, ठीक है। ये पी वाई हुआ और इसका भी पी वाई हुआ, पी वाई पी वाई ओवरलैपिंग कर लिया, ठीक है, ये पी वाई पीवाई ओवरलैपिंग कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या होगा, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग, तो पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग क्या होगा, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग ये हो गया, तो एक्स वाई प्लेन में पाई बॉन्ड हुआ और एक एक्सजेड प्लेन में पाई बॉन्ड हुआ, एक इस तरह से हुआ पाई बॉन्ड, पाई का पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऊपर नीचे होता है, एक्स वाई प्लेन में ऊपर नीचे हुआ और फिर एक्सजेड प्लेन में ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सिलिंड्रिकली क्या हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहां पे सराउंड कर रहा है, ठीक है, सिलिंड्रिकली हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक तो एक्स वाई प्लेन में आप देख रहे हो और एक फिर आप क्या कर रहे हो, एक्सजेड प्लेन में देख रहे हो, ठीक है। ये जो होगा पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है, पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग जो हुआ वो एक्सजेड प्लेन में हुआ और पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग जो हुआ एक्स वाई प्लेन में हुआ, ठीक है। तो एक कह सकते हो कि सी टू एच टू में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिलिंड्रिकली प्रेजेंट है अलोंग, मतलब अराउंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो यही जो है सी टू एच टू का ऑर्बिटल पिक्चर हुआ, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ सी थ्री एच फोर में आता है, जो आपको बता रहे हैं, हालांकि ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होगा, ऑर्गेनिक में हम लोग ये सब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन हम फिर भी यहां पे बता रहे हैं आपको। ये सवाल यही पूछा हुआ है कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ सी थ्री एच फोर को एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए इसका सबसे पहली बात, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये होगा, ठीक है। अब गौर कीजिए, गौर कीजिएगा यहां पर कि सी ये कार्बन जो है एसपी टू हाइब्रिडाइज है,
ये कार्बन जो है एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हमने जाना? तो हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ पाई बॉन्ड। हम लोग जस्ट इसके आगे पढ़ने वाले हैं पॉइंट कि किसी भी एटम, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, इन तीनों में से किसी भी एटम के पास अगर एक पाई बॉन्ड है तो वो होता है एसपी टू, अगर दो पाई बॉन्ड है तो वो होगा एसपी, और अगर जीरो पाई बॉन्ड है तो एसपी थ्री। तो गौर कीजिएगा यहां पे, इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई, इधर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा और एक पाई, तो इसके पास एक पाई हुआ। इस कार्बन के पास गौर कीजिएगा, एक पाई इधर एक पाई इधर, तो एसपी, और इस कार्बन के पास देखिएगा एसपी टू होगा बिकॉज एक ही पाई है। एसपी टू हाइब्रिडाइज होने के कारण क्या होगा, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन का पिक्चर आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ इधर, ठीक है, इसका बन गया हाइड्रोजन, इधर ओवरलैप करके क्या कर लिया, हाइड्रोजन ओवरलैप करके क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, इस कार्बन की बात करते हैं अगर हम, इस कार्बन के पास क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो ये चलिए बन गया, ये 1s एसपी टू से बना, ये 1s एसपी टू तो एक्सेल ओवरलैपिंग से बना, ये एसपी टू और एसपी के एक्सेल ओवरलैपिंग से बना। गौर कीजिएगा, ये कार्बन का एसपी ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन का एसपी टू ऑर्बिटल होगा। अब यहां पर एक चीज गौर करना है आपको कि यहां पर एक पी ऑर्बिटल भी होगा, मान लिया आप, मान लेते हैं इसको हम पी वाई, तो इसमें भी एक पी वाई होगा, याद रखिएगा पी वाई के साथ ही ओवरलैप करेगा, ऐसा नहीं होगा पी वाई पीजेड के साथ ओवरलैप कर जाएगा। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लैटरल ओवरलैपिंग से होता है, तो लैटरल ओवरलैपिंग इस तरह से होगा, ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल इस तरह से होगा एक इस तरह से होगा, ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होगा। दोनों अगर एक प्लेन में है, एक प्लेन में है दोनों ऑर्बिटल, तभी लैटरल ओवरलैपिंग होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगा, और इसलिए ये पी वाई है तो इसको मजबूरी है कि पी वाई के साथ ही ओवरलैप करना होगा। अब गौर कीजिएगा यहां पर, इस कार्बन का एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसलिए इसके पास एक और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, तो वो पीजेड है, वो पीजेड है। अब इस कार्बन को यहां पे गौर कीजिए, टर्मिनल कार्बन इस साइड, ये भी एसपी टू हाइब्रिडाइज है, हाइड्रोजन 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 इधर कंबाइन करके बना लिया सिग्मा बॉन्ड। अब ये बात गौर कीजिए कि इस कार्बन के पास जो ऑर्बिटल बचा हुआ है, पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, वो कौन सा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है पीजेड। तो अगर ये पीजेड बचा हुआ है और आप देख सकते हो कि इसका इसके साथ एक पाई बॉन्ड है, तो पीजेड ऑर्बिटल इसका पी वाई इसके पास था, तो पी वाई इसके साथ ओवरलैप कर गया, तो इसके पास बस पीजेड बचा है, तो पीजेड ओवरलैप किसके साथ करेगा, पीजेड के साथ ही। हमने अभी बताया कि लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब है सेम प्लेन में ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं कि एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, दोनों ऑर्बिटल ये हम दिखा रहे हैं आपको, दोनों ऑर्बिटल एक प्लेन में ओवरलैप करना चाहिए, इस तरह से ओवरलैप करने से बॉन्डिंग नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको मजबूरी है कि इसमें आपको पीजेड ओवरलैपिंग ही रखना होगा, ये पीजेड ऑर्बिटल ही अनहाइब्रिडाइज होगा, और इसलिए क्या होगा, ये पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग होगा। तो ये हो गया पी वाई ओवरलैपिंग से बना है, जबकि ये जो है पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग से बना है। तो गौर कीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो एक्स वाई प्लेन में होगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स जेड प्लेन में होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अलग अलग प्लेन में है, जो कि आपको साफ इस ऑर्बिटल पिक्चर से दिख रहा होगा। ये सवाल जेई का पूछा हुआ है, और इस सबके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑर्गेनिक में इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग एसपी एसपी टू और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़े, लेकिन तीनों का रिलेटिव स्टडी नहीं किया हमने, मतलब एसपी एसपी टू एसपी थ्री का रिलेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी, किसका एनर्जी ज्यादा किसका एनर्जी कम, किसका साइज ज्यादा किसका साइज कम,
कौन मजबूत बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये सारा कुछ रिलेटिव स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एसपी एसपी टू एंड एसपी थ्री ऑर्बिटल्स हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एसपी एसपी टू एंड एसपी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो रिलेटिव स्टडी ऑफ एसपी एसपी टू एंड एसपी थ्री हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन सभी ऑर्बिटल्स का रिलेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। गौर कीजिएगा, अगर हम इन सभी ऑर्बिटल्स का रिलेटिव स्टडी करना चाहें, देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर हम इधर ऑर्बिटल्स हम सबसे पहले लिख रहे हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। सबसे पहले हम इस चीज को स्टडी करेंगे। इधर हम लिख रहे हैं ऑर्बिटल, इधर हम लिख रहे हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर और इधर हम लिख रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। हम ऑर्बिटल इधर लिखना शुरू कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल, एसपी ऑर्बिटल, एसपी टू ऑर्बिटल, एसपी थ्री ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में अगर हम पी कैरेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली बात है 0% है, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही है तो 100% क्या होगा, यही होगा। एसपी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एसपी ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल है और दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एस है और एक ऑर्बिटल पी है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, दो ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल पी है इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 50% और इसका भी वैसे ही हाफ इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 50%। ठीक है, बात अगर हम एसपी टू ऑर्बिटल की करें, एसपी टू ऑर्बिटल की करें तो देखिए थ्री ऑर्बिटल्स में से आपको दो ऑर्बिटल पी है तो 2/3 इंटू 100 That will be equal to 66.67% and यहां पर आप गौर करोगे 1/3 into 100 that will be equal to 33.33%। ठीक है, हम अगर इसमें बात करें तो आपके पास फोर ऑर्बिटल में थ्री ऑर्बिटल पी है, 3/4 into 100 that will be equal to 75% और 1/4 into 100 that will be equal to 25%। और ये क्या हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 0%। तो ये आप देख सकते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना एस ऑर्बिटल है, कितना पी ऑर्बिटल है और टोटल ऑर्बिटल कितना है। ठीक है, इसके आधार पर आसानी से डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है एनर्जी। अब देखिए एनर्जी जो होता है पी ऑर्बिटल का ज्यादा होता है कंपेयर टू एस ऑर्बिटल, तो अगर किसी ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका एनर्जी ज्यादा होगा, बिकॉज जितना ज्यादा पी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ऑर्बिटल को बनने में उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल। सो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर के। पी कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, तो परसेंटेज पी कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे साफ पता चलेगा कि एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल होगा सबसे ज्यादा होगा 2p का, उसके बाद 2sp3 का, अब 2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp का और सबसे कम s का। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ, उसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगा। बात अगर हम थर्ड करें साइज का,
तो फिर वही बात है कि साइज ऑफ पी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एस ऑर्बिटल. सो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर. मतलब ऑर्डर ऑफ साइज जो होगा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल जो होगा, सबसे ज्यादा होगा पी का, उसके बाद sp3 का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp का, उसके बाद s का. ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ साइज हुआ. अब अगर हम बात करें शेप का, चौथा पॉइंट, अगर हम बात करें शेप का गौर कीजिए, पी ऑर्बिटल जो होता है डंबल नेचर का होता है, जबकि एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल नेचर का होता है. ठीक है, तो पी ऑर्बिटल इज डंबल इन नेचर. डंबल इन नेचर, वेयर एज एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर. सो डंबेल नेचर की अगर हम बात करें, डंबेल नेचर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर के. ठीक है, अगर हम डंबेल नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज पी कैरेक्टर के. ठीक है, अगर हम स्फेरिकल नेचर की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर के. तो अगर हम डंबेल नेचर की बात करें, डंबेल नेचर ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर की बात करें, तो सबसे ज्यादा डंबेल होगा पी, उसके बाद होगा sp3, उसके बाद होगा sp2, उसके बाद होगा sp, उसके बाद होगा s. अब अगर हम यहां पर आपको रिलेटिव पिक्चर बनाएं साइज और शेप के आधार पे, तो ऑर्बिटल इस तरह से बनाओगे, पी ऑर्बिटल आप इस तरह से बनाओगे. ये हो गया इक्वल साइज का, दोनों लोग है. sp3 क्या करोगे, इससे थोड़ा छोटा और डंबेल नीचे रखोगे. sp2 ऑर्बिटल और थोड़ा छोटा, थोड़ा सा स्फेरिकल नीचे बढ़ाओगे. sp ऑर्बिटल आप क्या करोगे, और छोटा और स्फेरिकल नीचे और बढ़ाओगे. और s ऑर्बिटल आप क्या करोगे, स्फेरिकल नीचे. तो दिस विल बी द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ sp, sp2, sp3 एंड p ऑर्बिटल. देख सकते हो आप कि जितना ज्यादा p कैरेक्टर है उतना साइज ज्यादा है, उतना साइज बढ़ा रखा हमने. जैसे जैसे p कैरेक्टर घट रहा है, s ऑर्बिटल की तरह मूव कर रहे हैं, साइज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है. शेप भी क्या हो रहा है, धीरे 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 स्फेरिकल की तरह होता जा रहा है. इधर डंबेल नेचर है, इधर स्फेरिकल नेचर है. ठीक है, बहुत ऑब्वियस आंसर है सबका. अब देखिए, अब एक पॉइंट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड. रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक पॉइंट अलग से है. देखिए पांचवा पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड अगर बनाएगा तो कौन ऑर्बिटल सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा. सिग्मा बॉन्ड कौन ऑर्बिटल सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा, ये बात गौर करना है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा. तो देखिए, अगर मान लिया एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मान लिया हमने सबसे पहले इसी को वन माना, इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सब काम देखेंगे. अगर एसपी और एसपी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो जो पहले हम पी और पी लेते हैं, पी और पी ऑर्बिटल अगर आपस में ओवरलैप करेगा तो 1.73 इतना गुना होगा एस और एस ऑर्बिटल के एक्सेल ओवरलैपिंग से, पी और पी ऑर्बिटल का एक्सेल ओवरलैपिंग
1.73 टाइम ज्यादा अच्छा होगा, मतलब मजबूत होगा। एसपीएसपी का होता है 1.93, एसपी टू का होता है 1.99 और एसपी थ्री का होता है 2.00। मतलब एसपी थ्री का जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो दुगना इफेक्टिव होगा। एसपी थ्री का जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो दुगना इफेक्टिव होगा कंपेयर टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एसएस ऑर्बिटल। जो एसएस ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा उससे दुगना मजबूत ओवरलैपिंग होगा एसपी थ्री का। छठा पॉइंट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। किस हाइब्रिडाइजेशन में, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, किसमें जो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो? तो देखिए, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन। डिफिनेशन यही है कि कितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रॉन पुल करने का, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें। और ये ऑब्वियस ही बात है कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज, अगर ऑर्बिटल सोचिए इस तरह से गौर कीजिए, अगर हम बात करें इधर से, देखिए सिंपल बात है, नजदीक में रहेगा तो न्यूक्लियस ज्यादा पुल करेगा, दूर पे रहेगा तो न्यूक्लियस कम पुल करेगा। सिंपल बात है, कूलम्ब फोर्स, आप कूलम्ब फोर्स की तरह सोचो। अगर हम बात, अगर आपको रिलेटिव दिखाना भी चाहें, एसपी थ्री ऑर्बिटल में न्यूक्लियस ये है और साइज इतना बड़ा है। एसपी टू ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस ये है, इलेक्ट्रॉन जो होगा इतना दूरी में होगा। अगर हम एसपी ऑर्बिटल में बात करें तो न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन कितना दूरी होगा। तो आप देख सकते हो कि एसपी ऑर्बिटल में, जो एसपी ऑर्बिटल है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, बिकॉज साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा है। और जब न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है तो यहां पर जो होगा स्ट्रेंथ, कूलम्ब फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। और इसलिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा, सबसे ज्यादा एसपी, उसके बाद एसपी टू और उसके बाद एसपी थ्री ऑर्बिटल। याद रखिएगा, एसपी ऑर्बिटल अगर कोई एटम एसपी हाइब्रिडाइज है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कंपेयर टू एसपी टू एंड कंपेयर टू एसपी थ्री। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर होगा। अब देखिए एक और पॉइंट है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, देखिए इधर हम हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं और इधर हम लिख रहे हैं बॉन्ड एंगल। जैसा कि हमने आपको कुछ केस एग्जांपल बताया था, आप देख रहे थे कि एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री भी हम इधर लिख देते हैं, बॉन्ड एंगल आ रहा था 109°28' और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था। ये कार्बन के लिए लिखा जा रहा है, याद रखिएगा। मान लिया नाइट्रोजन के लिए होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा डीपर करेगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन आइटम। खैर वो एक अलग इशू है। बात अगर हम एसपी टू की करें तो 120° एंगल होगा और ज्योमेट्री जो होगा ट्रेंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। ठीक है, और बात अगर हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन की करें तो 180° एंगल होगा एंड लीनियर ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल के बारे में है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो बॉन्ड एंगल होगा उसका स्टडी है कि एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल इतना होगा, ज्योमेट्री ऐसा होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180° होगा और ज्योमेट्री इस तरह का होगा। अब लास्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
ठीक है। तो देखिएगा एक्चुअल में अलग अलग एटम के पास सिग्मा बॉन्ड का संख्या अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग होता है, लेकिन पाई बॉन्ड का संख्या सेम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जो ऑक्टेट सेटिस्फाई करता है, ये चारों एटम हमने आपको बताया था कि ऑलवेज सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। तो ये चारों एटम जो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करता है फॉर ए पार्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन के हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग लगभग नहीं करते हैं क्योंकि वो टर्मिनल आइटम की तरह होता है। ठीक है हमेशा, तो फॉर ए पार्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डी पर बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिमेन सेम। सभी आइटम के लिए, इन चारों तीनों आइटम के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो पार्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में डिफर कर रहा होगा लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा वो सेम रहेगा। जैसे देखो हम एलिमेंट लिखते हैं, मतलब हम इधर हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं नॉट एलिमेंट, और इधर हम पाई बॉन्ड लिखते हैं सिंपली, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड डिफर कर रहा है इसलिए उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने का जरूरत नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस डिटेल को भी पढ़ेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर sp3 होगा तो पाई बॉन्ड होगा 0, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 होगा तो पाई बॉन्ड होगा 1, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो पाई बॉन्ड होगा 2। ठीक है, कहीं भी कार्बन हो नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो, इन्हीं तीनों केस में ऐसा नहीं कि आप सल्फर फास्फोरस के लिए अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले को, हम लोग कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड, अगर 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो sp। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसके आधार पे हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम। ठीक है, और एक और बात है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए वैलिड है, केटायनिक एनायन के लिए हमने नहीं लिखा, ये हम लोग आयनिक स्पेसिस के लिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, मान लिया आपसे पूछ दिया जाए कि CH3+ में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम लोग इसको अभी नहीं लिखे हैं। CH3+ में आपको सिग्मा बॉन्ड ही दिखेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड दिखेगा ही नहीं, तो आप कहोगे कि भाई sp3 होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन हमने सिर्फ मोलिकुलर फॉर्म के लिए बताया है, आयनिक फॉर्म के लिए नहीं बताया वो। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए CH2CH CCH3 और बोला जाए बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसके पास एक पाई बॉन्ड है। आप जानते होंगे ये बात भी कि वन बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। टू बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हम बात करते हैं सर, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है ये, डबल बॉन्ड का मतलब होता है वन सिग्मा बॉन्ड प्लस वन पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है वन सिग्मा बॉन्ड प्लस टू पाई बॉन्ड। तो आपके पास ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो कार्बन के पास आप देख सकते हो कि एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। इस कार्बन की बात करें, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है, मतलब sp2। इस कार्बन की अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब दो पाई बॉन्ड का मतलब sp। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास भी sp हाइब्रिडाइजेशन, और इस कार्बन की बात करें तो इसके पास भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 लिखते हो, इसमें अगर आप डिसाइड करते हो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन सबका, देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं sp3, इसके पास एक पाई बॉन्ड मतलब sp2, डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड मतलब sp2, कोई पाई बॉन्ड नहीं मतलब sp3, एक पाई बॉन्ड मतलब sp2, एक पाई बॉन्ड मतलब sp2।
ठीक है, अगर आप क्या करते हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लिखते हो, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं sp3, इसके पास दो पाई बॉन्ड मतलब sp, इसके पास दो पाई बॉन्ड मतलब sp, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पाई बॉन्ड के आधार पे किसी मॉलिक्यूल में, हम बार बार बोल रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा है, ना कि किसी आयन में, किसी आयन में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ये सब अभी हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ना है, एज वेल एज हम सब अंतिम में यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला बताएंगे आपको, किस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी स्पेसिस का, तभी आपको बताया जाएगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन आएगा उन सभी स्पेसिस में। लेकिन डिटेल स्टडी जो कार्बन आयन है, कार्बोकेटायन है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, इन सबका हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग एस और पी ऑर्बिटल के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी एसपी टू और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, इसको फिनिश कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे।